घोड़ा वाला तो ऑनेस्टली आज तक थॉट नहीं आया टू बी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि यार आज तो मैंने फोड़ दिया वो आई थिंक बाद में जब एडिट बनता है लोग फिल्म देखते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि यार मतलब हाँ। लोग बताते हैं आपको लियोनार्डो दा विंची ने थोड़ी मोनालिसा बना के बोल दिया और <laughs> दिया मैंने भाई क्या बना दिया मैंने <laughs> उसमें विजय दिनार चौहान जब मर जाते हैं तो मैं जाके अपने पिलो में सर डाल के फूट फूट के रो रहा था mm. मुझे लगा था कि ये सच में हो गया है मैं बहुत ज़्यादा उसको लगता था कि बहुत रियलिटी थी मेरे लिए वो सब चीज़ें वो कहानियाँ और मैं रो रहा था कि कैसे अमिताभ बच्चन कैसे मर सकता है यार मतलब मैं भगवान भगवान प्लीज़ अमिताभ बच्चन को जिंदा कर दो अमिताभ बच्चन नहीं मर सकते लूडो का जो मोनोलॉग है मेन्यू वाला तो जब पढ़ा तो मैंने कहा था बर्र। ये कैसे होगा यार ये तो बहुत टफ है और फिर उसमें अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार लेते हो कि दादा इसको ना मिथुन दा डांस करते 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 हैं तो फिर वो भी करना है अभी और फिर जब वो होता है आपको लगता है कि इट्स लाइक के मैथ्स का बोर्ड एग्जाम तो ये हो गया अब मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा जैसे कोई मुझे कहता है ना सर वो मोनोलॉग कीजिए ना वो लूडो का लाइक नहीं भाई वो उसी टाइम के लिए था वो हो गया है वो नहीं आता है मुझे

अच्छा आप नया सीजन देख रहे हो आ, पर वो बिकॉज गेम ऑफ थ्रोन्स का स्टैंडर्ड इतना ऊपर है ना रिकमेंड सीजन टू ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन

ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं विच यू विल सी इन सो मेनी डिफरेंट फिल्म एंड ओवर द ही हैज एक्टेड इन सो मेनी डिफरेंट जॉनर्स इनकी अभी लेटेस्ट फिल्म भी बहुत जल्द थिएटर्स में आने वाली है राजकुमार राव के साथ मैंने बहुत अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बातें की मैंने उनसे ये भी पूछा कि वट वट डज ही थिंक ऑफ दी टी का ऑप्शन हिज आंसर वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग इट्स वन ऑफ फेवरेट पार्ट सो यस अ वंडरफुल वंडरफुल अप फॉर यू So let's jump right inside the conversation I had with Rajkumar Rao on Chalchitra Talks. Mm.

अरे इंटरव्यू यार आप मुझे उसके बारे में कुछ बताइए ना इट्स माय रिकमेंडेशन टू एवरीवन वाचिंग दिस पे जाओ एंड वॉच बॉम्बे मिरर सो बॉम्बे मिरर बेसिकली श्लोक ने डायरेक्ट की थी और श्लोक जो है वो वासीपुर में थे हमारे साथ असिस्ट कर रहे थे अनुराग सर को तो ये राइट आफ्टर एल ये शॉर्ट फिल्म मैंने की थी बॉम्बे मिरर और बहुत ही आई थिंक चंद घंटों का शूट था वो जिसमें मैं और विजय मौर्य अ ग्रेट गाय हम दोनों थे उसमें और कुछ आ, ऐसा बाबर शॉप था सैलॉन था उसमें हम बैठे हैं और मैं मुझे बैठे रहना था उनको खड़े रहना था तो इतना ही शॉर्ट था कि और बहुत जल्दी खत्म किया दन में और आप ध्यान से देखेंगे तो अब जो मेरे मोनिका मोनिकॉमा डालिंग के डायरेक्टर हैं वासन बाला वो उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं इट्स वन ऑफ़ दोज रियली वन ऑफ़ दो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स कि सब दोस्त आपस में यार मिल और कुछ बनाते हैं तो वैसे ही ये शॉर्ट फिल्म बनी थी लेकिन हाँ जैसा आपने कहा कि इतनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी वो आई थिंक बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द द ट्रीटमेंट Yes. इस तरह से आई थिंक श्लोक ने उसको दिखाया और, और बनाया। आई एम जस्ट हैप्पी आई एम अ पार्ट ऑफ इट आज मुझे आप एक ये बात बताइए कि आपकी फर्स्ट मूवी वाचिंग मेमोरी कौन सी लाइफ की ये, तो मैं बड़ा हुआ हूँ जॉइंट फैमिली में गुड़गांव में और मुझे याद है बहुत बड़ा आंगन था हमारे घर के बीच में uh, तो मैं ताऊ जी चाचा जी माई फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स सब रहते थे हम सब कजन्स सिबलिंग uh, सब साथ में रहते थे और हर वीकेंड पे हम लोग वी उस टाइम में वी होता था तो वी पे दो तीन फिल्म ला देखते थे तो उसमें मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं बट आई थिंक एक जो मुझे बहुत क्लियरली याद है वो है अग्निपथ क्योंकि अग्निपथ से मैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था आ, हो गया था मुझे वो फिल्म देख कर आ, मैं जाके मैं बहुत छोटा था आई थिंक और मैं जाके एक्चुअली जब उसमें विजय दीनाराथ चौहान जब मर जाते हैं तो मैं जाके अपने पिलों में सर डाल के फूट फूट के रो रहा था Mm. मुझे लगा था कि ये सच में हो गया है मैं बहुत ज़्यादा उसको लगता था कि ये बहुत रियलिटी थी मेरे लिए वो सब चीज़ें वो कहानियाँ और मैं रो रहा था कि कैसे अमिताभ बच्चन कैसे मर सकता है यार मतलब मैं भगवान भगवान प्लीज़ अमिताभ बच्चन को जिंदा कर दो अमिताभ बच्चन नहीं मर सकते यार आ, तो वो मेरी एक बहुत क्लियर एक एक मेमोरी है सिनेमा को लेकर और जो सिनेमा हॉल में हम फिल्म देखते थे गुड़गांव में उस टाइम एक पायल करके सिंगल स्क्रीन थे ऑफकोर्स सारे बट पायल वॉज वन ऑफ दोज गुड सिंगल स्क्रीन्स जहाँ पर फैमिलीज आती थी देखने Uh, तो वो डी डी एल जो है course. Hmm. Uh, राम जाने करण अर्जुन uh, हम आपके हैं कौन बॉर्डर uh, बादशाह ये सब फिल्म हैं जिनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ थिएटर में स्पेशली मैं जैसे डी डी एल हम आपके हैं कौन फैमिली के साथ गए थे uh, बाकी सब जो हैं राम जाने करण अर्जुन बादशाह ये सब फिल्म जो मैं और मेरा भाई uh, मेरे बड़े भाई जो हैं अमित हम सब जाते थे देखने

एंड <laughs> uh, uh, मुझे आप ये बताइए कि विच आर सम फिल्म विच डिफाइन राजकुमार राव के अगर आप मेरी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं ना तो ये पाँच से सात फिल्म है पू रिप्रेजेंट में अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो गुड क्वेश्चन आई वुड से न्यूटन शाहिद श्रीकांत शायद इज़ फॉर ऑनेस्टी एंड लाइक आई आई फील जब किसी के साथ गलत होता है कुछ नहीं कुछ नहीं किया होता है तो मुझे बहुत उसके बुरा लगता है उसके लिए तो फॉर दैट शाहिद फॉर ऑनेस्टी न्यूटन श्रीकांत फॉर द हसलर एटीट्यूड एंड एन ऑल्सो हैव अ साइड विच इज़ वेरी क्लोज़ टू आलू फ्रॉम लूडो एंड एन और बिक्की फ्राम स्त्री विच इज़ अ फन साइड सो आई थिंक ये ये कुछ फिल्म्स हैं आई वुड से कि जो मुझे कहीं कही ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्क्राइब yeah. कि किया था इसकी और बात हाँ यार आ, शुरू की बहुत फिल्म है फिर भी लोगों ने देखी है आई थिंक शाहिद और ट्रैप्ड मुझे लगता है कि ये दो फिल्म हैं जो बहुत लोगों तक पहुँचनी चाहिए और ज्यादा जो शायद नहीं पहुंच पाई सिटी लाइट्स फॉर दैट मैटर आई ऑफ माई मोस्ट ऑनेस्ट परफॉर्मेंस Uh, वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी uh, नहीं पहुंच पाई है लोगों तक तो ये हाँ. तीन फिल्म्स मैं yes, 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 yes. yeah. जिसकी बात like yes, <laughs> right जिसमें मनोज सर वॉज प्लेंग शूट जो और हम सब मैं जयदीप विजय

मुझे आ, बहुत फिल्म हैं यार गर्म हवा मुझे बहुत अच्छी लगती nice. है मुझे रंग बसंती बहुत पसंद है nice. मुझे स्वदेश बहुत पसंद है अपनी बात करें तो हिंदी सिनेमा की उसके अलावा मुझे सुपर डिलक्स बहुत पसंद है बैटरी मारन बैटरी मारन ना आई थिंक सुपर डिलक्स नो आई थिंक नॉट इट्स नॉट हाँ करेक्ट विराजन कुमार नॉट बैटरी मारन सुपर डीलक्स मुझे बेहद पसंद है मुझे और क्या मुझे इन द मूड फॉर लव अरे बहुत तो ज़्यादा प्यार है उस आ, आ, फिल्म से मुझे वॉन् वाई ओल्ड बॉय लव दैट फिल्म या सो मैनी मतलब क्योंकि इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है तो बहुत सिनेमा देखा है इंटरनेशनल सिनेमा भी बहुत देखा है लाइफ इज़ ब्यूटिफुल यू you नो know, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो फिल्म जो जो कहीं ना कहीं मेरे साथ रह जाती हैं यू नो कोई एक इमोशन जनरेट होना चाहिए किसी भी कहानी को आप देखते हैं किसी भी फिल्म को आप देखते हैं किसी भी आर्ट वर्क को आप देखते हैं अगर कोई एक इमोशन जनरेट हो रहा है आपके अंदर इट मीनस के उस फिल्म ने उस स्टोरी ने उस आर्ट वर्क ने आ, कुछ किया है आपके अंदर कुछ किया है अच्छा बुरा जैसा भी पर कुछ एक इमोशन जनरेट किया है विच इज योर फेवरेट इमोशन टू स्टडी एज एन एक्टर मुझे अभी तक एक्चुअली मौका मिला नहीं है पर मुझे लॉस का जो इमोशन है ना वो मुझे लगता है कि बहुत अनएक्सप्लोर्ड है Hmm. एक जैसे पी एस आई लव यू में उसको एक्सप्लोर किया hmm. है या फिर एक फिल्म है केक यू नो जेनिफर एनेस्टन की उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया है तो लॉस का जो इमोशन है आई थिंक क्योंकि हम सब ने देखा है ऑफकोर्स हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ है हमारे सिनेमा में बट लॉस इट कैन बी लॉस ऑफ यू नो योर पेरेंट्स योर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड और वाइफ तो आई थिंक ये एक इमोशन है जो मुझे बहुत uh, एक्सप्लोर करने का मन है बिकॉज वो इतनी ज़्यादा लोनली प्रोसेस है ना मतलब दुनिया आपके साथ रहेगी फॉर टाइम बींग आपको लगेगा सब ठीक है लेकिन उससे आपको खुद ही निकलना होता है नो बडी कैन डू एनी थिंग अबाउट दैट उससे वो खुद आपकी प्रोसेस है आपकी लड़ाई है आप ही जूझ रहे हैं उस 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 ट्रॉमा से उस इमोशन से तो ये मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा

Yeah, it's amazing. ये वाला किसी ने मैंने ऐसे करते हुए नहीं देखा so करेट बिकॉज ही नहीं उसकी correct, so in process, yeah. ना, इतने हज, हजारों चीज चल रही है दिमाग में मैं ये कर सकता था मैंने क्यों किया पर वो गया पता नहीं कल जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं बात कर लूंगा परस उनको वहाँ भी जाना है इतना बोल देता है कि हाँ डॉक्टर आए तो मतलब उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि डॉक्टर आके ये बोल देगा डॉक्टर

Uh, थोड़ा पर्सनल जा रहा हूँ बट हमारे घर में किसी की डेथ हुई थी यू नो माय अंकल माय चाचा जी वैन ही पास अवे तो आई ही वॉज रेडी यंग एट दैट टाइम वैन ही पास अवे तो आई रिमेंबर जब उनकी डेड बॉडी को लेके आ रहे थे तो माई चाची वॉज ऑफकोर्स वेरी यंग एट दैट टाइम और दो छोटे बच्चे थे मेरे जो यू नो फर्स्ट कज़न है तो माई चाची फॉर द होल डे वॉज इन दिस डिसीफ कैसा कुछ हो गया है लाइक शी वॉज नॉट क्राइंग शी वॉज बिहेविंग वेरी लाइक नॉर्मल की हाँ अरे क्या हो गया आप लोग एंड ऑफकोर्स शी वॉज डेवेस्टेटेड आई नो बट दैट्स ऑल्सो वे टू रिएक्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द फर्स्ट थाट दैट वी ऑलवेज हिट ना कि अच्छा क्या होगा अच्छा अलगेट इमोशनल स्टार्ट क्राइंग बट दे आर टू मेनी वेज टू जैसे अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है मैडम इनका तो आई देर टू डिफरेंट सिशन हम सब लोग एक तरीके से चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करेंगे कभी भी बट लाइक like, और ऐसी कौन सी फिल्म है जहाँ पे यू सी की जो, like, जो सैडनेस को mm -hmm. इस इमोशन को एक्टर्स और फिल्म किया बहुत ढंग से इसको करके दिखाया आई थिंक मुझे रंगे पसंदी का वो सीन जो है, 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 है you know, माधवन सर के कैट की डेथ हो गई है और फिर वो घर आते हैं सू yeah. और डी जे और वो बैठे हैं और वो कहती है मैं कुछ खाना लेके आती हूँ तो वो जो बिल्डअप है ना अंदर डीजे के कैरेक्टर का, का कि वो बिल्डअप चले जा रहा है चले जा रहा है बहुत और राकेश ने बहुत लंबा होल्ड किया है वहाँ पे हाँ, वो ऑलमोस्ट सिंगल शॉट है वो वो बिल्डअप इतना चल रहा है कि वो जाती है वो हाँ ऐसा हाफ हार्टेड सा सुना रिएक्ट भी करते हैं वो आती है खोलती है खाना देन स्टार्स ईटिंग वो पराठा खा रहे हैं एंड देन जुप करके हिट होता है आई थिंक इसका कुछ इमोशंस हैं हमारे ऐसे जो वो बहुत इंपल्सिव इमोशन होते हैं लाफ्टर क्राइंग एंगर स्पेशली थ्री इमोशंस आर वेरी इम्पल्सिव इमोशंस वो कब आए आपको पता नहीं चलेगा तो आई थिंक वो बहुत मुझे लगता है इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इन 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 सिनेमा हिस्ट्री इज इज़ कैप्टन फिलिप्स का लास्ट सीन जब टॉम हैंक्स को यू नो हॉस्टेज से छुड़ा लिया गया एंड ही इज देयर सेम मुझे जो मैट डिबन का रिएक्शन है ना ही इज सो लॉस्ट Uh, is doctor, it my blood? Is it my blood? Dr. Kya and he can't hear. He's asking, huh? Why? What? Captain, can you tell me what happened to your head? It's okay. Take your time. Take your time. There's a two centimeter laceration on the left eyebrow. And he's happy, and he, he is shocked. He is sad. There's so much happening in that scene, and the way Tom Hanks has performed it's so brilliant. Oh my god. That scene is. Is, is, is my go-to scene whenever I, I feel like you know i, I need inspiration I, I go back to that scene when i have youtube and download mirakawa app uh, i keep looking at it again and again um, so i say hm botser scene in you should go back and, and look at them you know how to achieve this kind of you know uh, truth in your performance yeah it's season of jumna kia which is your favorite emotion उनके लिए प्यार है वो वो बहुत ज्यादा प्योर है एंड And even I think uh, revenge, though it's not an emotion, ah. an emotion it's, a, it's a feeling. Uh, but but the revenge, I think, is, is also very, very pure. Uh, like Gone Girl or, you know, and Especially when it's with somebody you are very close to. Like Gone Girl, that's the reason I love. Yeah. Two people who cannot stand each other, who are married. Yeah. And they hate each other so much.

वो बहुत आई थिंक मुझे उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है हाँ. दो लोग बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं आ, और उसमें ऑफ कोर्स फिर आपको एज एज दिस से यू नो सिनेमा लवर्स एंड सिनेफाइल से कि गॉडफादर में जब भी किसी की डेथ होती है यू सी ऑरेंजेस ये कि एक बहुत क्लोज uh, स्टडी है yeah. कि डेथ से पहले आसपास जो है ऑरेंजेस दिखने लगते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे जब ही इज इन द गार्डन देयर ऑरेंजेस देयर व्हिच इज़ सो कूल आई थिंक इट्स इट्स आई डोंट नो व्हाट इट डस टू द स्क्रीन प्ले बट इट इट्स समथिंग व्हिच आई थिंक कपोला जस्ट थाट टू टू इंटीग्रेट इन द फिल्म तो वो सीन मेरा बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे उसके बाद सीन्स बिटवीन यू नो डिनीरो के जो इनिशियल सीन्स हैं स्पेशली ऑल्सो द सीन वेर ही किल्स फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो वापस अपने गांव जाता है इटली और उस उसी आदमी को मिलने जाता है द डॉन देयर जिन्होंने इनको भगाया था इसकी माँ माँ को भगाया था दैट सीन There's so many moments in the in the film which I totally love. The, the beginning, I think the whole wedding yeah. sequence and the beginning, America as a land of opportunity, and you know, uh, the whole scene between Corleone, Don Corleone, and the guy who's asking yeah. for his help. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. that whole i think those dialogues also are so well written the screenplay by mario puzo and capola for me it's the second film ka last scene when like uh, the dinner table conversation oh, your father had correct, these plans for correct, you for peaches a happy correct, birthday and then you correct, see him sitting like this yeah, i won, but at what cost wala yeah, like sab yeah, to chale gaye ho correct correct that see thing. the graph of na michael it's uh, so beautiful yaar as an actor to have that graph in a in a film which are some other films of Al Pacino that you like

पर मेरे को लगता था कि यार ये मेरे को इतना नहीं भाते कि मेरे को ऐसे पकड़ में आ रहा है कि इस एक्टिंग टैलेंट इज लिमिटेड मे बी इज अ ग्रेट स्टार तो मैंने ये डर डर के मनोज वाजपेयी सर से भी बोला कि सर ये एक एक्टर है कि मेरे को क्या वॉट एम आई मिसिंग मैं समझ नहीं रहा हूँ वाई इज ही कंसिडर द ग्रेटेस्ट सो आई सेट दिस फॉर लियोनार्डो डी कैफ एंड मनोज सर सेट कि सही कह रहे हो मेरे को भी ये लगता है He's like, he's exaggerating. So, do you agree with us or like... No, I, I won't say... Uh, Caprio, you know, I love Caprio. I think you see, if you see Aviator, yeah, you see yeah. Catch Me If You Can, or Wolf of Wall Street and and uh, Departed, or the one he won Oscar for, uh, Revenant. Re right? Revenant, yeah, 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 yeah. But there are films, like the last one, Killer of the Flower Moon. Uh, yeah, Killer of the Flower Moon, or yeah, I yeah, think yeah, this it's is the even right? We get so tongue twisted. Haan. सो so, उसमें जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे लगा कि यार ये वाला कैप्रियो ना मैंने देख लिया है अभी बहुत बार हाँ तो वो देख के मुझे डेफिनेटली लगा पर स्टिल मैंने बहुत बार नहीं मैं भी लगा कि यार ये वाला ये दिस आई एक्सपेक्ट फ्रॉम कैप्रियो अच्छा हाँ ये ना ये हाँ ऐसे रिएक्ट करेगा अभी बट आई लव इन दैट फिल्म वॉट आर कैरेक्टर एंड अगेन वॉट वी टॉकिंग बट सो अनएक्सपेक्टेड टू प्लेइंग दिस टू प्ले दिस ब्रूटल गाय

वो वो थिन लाइन थी जो एक्टर ओवर जा सकते हैं बिकॉज उसमें ओवर है ऑलरेडी वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है वो वो है ही ओवर। जो शिफ्ट आया उसके बाद जो पूरा कैरी फॉर्वर्ड किया उन्होंने अपने कैरेक्टर को दैट वॉज ग्रेट

बहुत लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में फिलिप हॉप एंड अगेन आदर एग्जाम्पल मिशन इम्पॉसिबल सच अ मास कमर्शियल फिल्म ही इज प्लेइंग द विलन एंड दैट सीन अगेन इट इट्स स्टॉक इन माई माइंड नॉट द ओपनिंग जब उसको पकड़ के प्लेन में लेके जा रहे हैं एंड वट अल गायन ही जस्ट सिटिंग देयर ही नोज द पावर यू नो वन यू हैव सो मच पावर यू डोंट हैव टू स्क्रीन मतलब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ And Tom Cruise is, of course, is is very angry. He's laughing, "Where is she?" And blah blah blah. He's asking. And he's just looking at him with such like cold looks, dead eyes. And he's just telling him, "I know who you are. You're not going to be able to do shit. You know why? What is it, rabbits? Because you're going to be this close to dead. It's so amazing, man. Even in uh, uh, the Master. Yeah, I was just thinking about With Philip Seymour Hoffman that. and Walking, Walking, Walking Phoenix. Phoenix.

आई वुड से फॉर श्योर जोकर ऑल्सो आई लव इन जोकर ग्लैडिएटर अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस लाइक इज गुड यार मतलब इन्होंने बीच में दो लाइक दैट्स द ग्रेट थिंग ना आफ्टर जोकर ही डि टू सच एक्सपेरिमेंटल फिल्म एक तो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है लाइक इट्स इसलिंग दिस लोनर जिसको अपनी माँ से मिलने जाना है बट दे आर इट्स अ वेरी सर रियल वर्ल्ड देयर राइट है स्ट्रीट बट ही हैजू क्रॉस एनी

ंग अबाउट अवर ग्रेट एक्टर इज फिल्म शायद आपको इतनी पसंद ना आए पर उनका काम यू कैन नेबर से गया अच्छा नहीं था यार देवेज बी वेरीयर दे ट्राइंग टू अचीव द ट्रूथ इन देर परफॉर्मेंस अगर मैं आपकी खुद की एक्टिंग की बात करूँ एंड लाइक इफ वी कैन बी नॉन मॉडर्स्ट फॉर अ सेकेंड आप कोई ऐसा सीन जो आपने अपनी लाइफ में किया हो जहाँ पे आपको लगता भाई यहाँ तो मैंने फोड़ा है <laughs> ये तो भाई होम रन था उसको देखने का नजरिया है हाँ. मतलब किस नजर से कि yeah, में, I... काश समझ में आ जाए जो मैंने इसमें किया है क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज है, yeah, no, अच्छा है जब जब मैं उस सीन में उस मोमेंट में हंड्रेड परसेंट हूं और मुझे कोई और मुझे वैसे भी बना परफॉर्मिंग आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स मतलब मुझे नहीं पता होता कि कैमरा क्या है बहुत लोगों ऐसे वाली यू नो होता है कि टेक्निकल एक्टिंग भी होती है कि थोड़ा चीट कर लो थोड़ा फेसिंग या रखो बिकॉज कैमरा है माई थिंक मैं सबसे बहुत बचता हूँ मेरा काम है अपने को एक्टर के साथ या उस सिचुएशन के साथ को रिएक्ट करना तो मैं उसमें बहुत रहता हूँ तो मुझे अगर मैं उस मोमेंट में हंड्रेड परसेंट हूँ तो मेरे लिए वो वो सच्चा मोमेंट है फोड़ा वाला तो ऑनेस्टली आज तक थॉट नहीं आया टू बी आई एम बिंग वेरी ऑनेस्ट कि यार आज तो मैंने फोड़ दिया वो आई थिंक बाद में जब एडिट बनता है लोग फिल्म देखते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि यार मतलब हाँ। लोग बताते हैं आपको लाइक इवन आर्टिस्ट लाइक आप लिनाडो विंची ने थोड़ी मोनालिसा बना के बोल दिया अरे फोड़ <laughs> दिया मैंने भाई क्या बना दिया मैंने <laughs> उसने उससे भी पहले बहुत अच्छी अच्छी बनाई है वो तो लोग बताते हैं राइट कि ये आपने फोड़ा है सेम आई थिंक इन एक्टिंग समटाइम्स यू फील कि यार बहुत अच्छा सीन हुआ है बट वन यू सी टे के नहीं यार बहुत ही नॉर्मल है ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है

हुआ है बिकॉज यू सी द रिएक्शन ना बिकॉज जो लोग आपके सामने देख रहे हैं खड़े हैं जब कट हुआ तो ऑफकोर्स इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी टू यू नो बी नॉर्मल इन इन इट टुक मी समाइम टू कम आउट ऑफ इट बट वन आई लुक डॉप और और मैंने देखा कि हर्ष जो हमारे डायरेक्टर हैं हर्षवर्धन hmm. लव हिम वन ऑफ द फाइनेस्ट मेकर्स दैट हैव हैर्कड विद तो वो और मैं बहुत ऐसा बकचोदी करते रहते थे, थे सेट पे बहुत हंसी मजाक चलता था पर उस दिन जब मैंने ये सीन खत्म हुआ मुझे थोड़ा लगा टाइम बाहर आने में और मैंने जब ऊपर कर देखा तो हर्ष रो रहा है हमारे डी रो रहे हैं जो पूरा स्वप्निल रो रहा है चीफ एडी रो रहा है तो ले क्या कुछ हुआ क्या आई थिंक सही जगह शायद कहीं हिट हुआ है, ये ये सीन सो बधाई दो का वो सीन है एक आई वुड से कई बार आपको लगता है कि यार ये कैसे होगा और वो हो जाए जैसे आलू लूडो का जो मोनोलॉग है मेन्यू वाला में का दा में कोला, सोडा, ने तो <laughs> जब तो पढ़ा तो मैंने कहा ये कैसे होगा यार ये तो बहुत टफ है और फिर उसमें अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार लेते हो कि दादा इसको ना मिथुन दा की तरह डांस करते 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 हैं तो फिर वो भी करना है अभी फिर जब वो होता है आपको लगता है कि इट्स लाइक टेंथ के मैथ्स का बोर्ड एग्जाम कि ये हो गया अब मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा जैसे कोई मुझे कहता है ना सर वो मोनोलॉग कीजिए ना वो लूडो का लाइक like, नहीं भाई वो उसी टाइम के लिए था वो हो गया है वो नहीं आता है मुझे <laughs> तो मुझे एक चीज बताइए कि हर जने के इंसान के हर जने की लाइफ में कुछ फेलियर्स होते हैं आपकी लाइफ का आपका फेवरेट फेलियर कौन सा है मेरा फेवरेट फेलियर आई थिंक ये तो ऑफकोर्स सबके साथ ही होता है कि काम नहीं मिलना काम आता है आप आते हो शहर में काम ढूंढने और फिर नहीं मिलता है डेढ़ दो साल आ, वो तो एक है ही वो तो बहुत कॉमन सा एक एक, एक है फैक्टर सबकी लाइफ में बट आई वुड से कि एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे एक फ़िल्म मिली और फिर सब कुछ सही रहा और फिर मुझे उस फिल्म से हटा दिया गया फॉर सम रीज़न तो वो फेलियर वो मेरा फेलियर नहीं है आई थिंक वो 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 उनका फेलियर है कि वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए पर उन चीज़ों ने मुझे सिखाया कि यार जस्ट बी रेडी मतलब एंड एंड आई एम वेरी आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय इन लाइफ लगता है कि यार जो मेरे हिस्से का है ना वो मेरा ही है उसको कोई और लेके जा नहीं सकता है हाँ तो ये मेरे हिस्से का नहीं था और फिर जब मैं बाद में देखता हूँ लगता है कि हाँ सही था एक्चुअली मेरे हिस्से का नहीं था ये क्या तो वो फिल्म बनी नहीं या किसी और ने किया तो इतना कुछ उस कैरेक्टर के बारे में बात नहीं हुई तो देन आई फील कि सही है यार ऊपर वाला आपके साथ जब होता है ना तो फिर वो सही आपको गाइड करते रहते हैं सम ऑफ़र आई वॉन्ट नो समेवरेट फीमेल एक्टर्स फ्राम इंडिया और ओवरसीज इंडिया में आई वुड से निमिशा मुझे बहुत पसंद है जो मलयालम इंडस्ट्री में है निमिशा बहुत ज़्यादा अच्छी हैं हिंदी में कौन कना आई लव कौन कना आई थिंक शी इज नॉमिनल बहुत सारी यार किसी का नाम रह जाएगा तो आई डोट वॉन्ट एनी वॉन्ट टू फील बैड कंगना आई थिंक इन तनु मनू क्वीन वॉज ग्रेट विद्या मैम इन इन यू नो कहानी और नोवन किल जैसे का फिन नॉमिनल करीना इन जब भी मैं डे परफॉर्मेंसेज आई आई लाइक ऑफ अप डिफरेंट एक्टर्स देखा यही प्रॉब्लम है मैं अभी भूल जाऊँगा बहुत सारी हैं भूमि इन बधाई दो आई थिंक वाज वाज ग्रेट जानवी इन माई आई रिली लाइक्ड एनी वेज हाँ बाहर के बाहर के ऑफकोर्स मेरी स्ट्री बींग नंबर वन Uh, Olivia Coleman, I love her. Oh, yeah, rude. yeah. And uh, nah, tell me her name. I, I always forget her name. Uh, three billboards. Uh, 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 Frances McDormand. Frances yeah, uh. Frances McDorm McDormand. McDormand. Yes, yes. Frances McDormand. Uh, I think she is, again, she's God when it comes oh, to acting. Yes. Yeah. Choose one, Frances McDormand or Olivia Coleman. Can't, yeah. So tough. <laughs> don't do this. Don't do this. Very tough.

रोसू इट सुपर हीरो कर सकता है वो आदमी उड़ भी सकता है लेजर भी मार सकता है तेज भी चल सकता है स्ट्रॉन्ग भी बहुत है तो सब है उनके पास तो सुपर मैन फॉर आई थिंक हिज पावर्स नथिंग एल्स एंड एक्टर प्लेइंगरो वेरी वेल मतलब परफॉर्मेंस ऑफ अरो मार्क रफेलो एज दल्क

Like what a line and and how he delivered that line. The Mark Ruffalo again great actor. मतलब ओ यार वो जो उनका सीरीज़ है। I know this much. I know this much is, is true. ऊफ़ बहुत कम लोगों ने देखे वो सीरीज़ क्या। I recommend it to everyone. Whoever I meet on set, क्या कुछ बताओ क्या देखना है? Like I know this much is true. देख लो please. Oh boy. What a performance. And I think he has had a loss in his own. मतलब उन्होंने बहुत closely देखा है वो।

प्लीज़ प्लीज प्लीज उनको थर्टी सेकेंड बात कर बिग गया please, please, fan, और हमने अभी देखी थी ही वाज वेरी स्वीट यू नो वेरी हम्बल तो पत्र से उनकी बात हुई uh, कुछ दस पंद्रह मिनट उस टॉय फ्रेंड इज ऑल्सो एन एक्टर एंड ही And I said, you know, we just saw like I've seen most of his films, and like, we love you, and you know, great maker, and we just finished your series. And I asked him, said, I just one question, like, what was your brief to Mark Ruffalo, you know, uh, to play this part, and it, like it, because he was so different, yes, you know, yes, it was yes. so different from Mark Ruffalo, and he told me something so beautiful. He said nothing uh, much, Raj. Honestly, I would just because I wanted a different kind of breathing uh, in his character, so I would just ask him to do ten push-ups before. एवरी टेक सो बाइक अब आपको यहाँ को लो uh, नहीं. <laughs> नहीं अभी तक तो नहीं बट आई ट्राई टू लाइक आई जब ऐसा कुछ मेरा कुछ भागने का शॉर्ट होता है या कुछ स्वेट दिखाना है स्पेशली भागने के जो शॉर्ट्स होते हैं कई बार बिकॉज वो बहुत फेमस किस्सा भी है ना लॉरेंस और लेबर और डस्टिन हॉफ मैन का कि ट्राई एक्टिंग वाला विच आई डोंट बिलीव इन बट जैसे तो मैं एक्चुअली आई ट्राइन रन आई ट्राइन डू एट इज कीपिंग फास्ट कीपिंग रन सो दैट वो वो फेक हाफना ना लगे कि मतलब आई एक्चुअली फिजिकली इफ आई कैन आई कैन डू देट मतलब वो टफ तो नहीं ना इम्पॉसिबल नहीं है मैं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं क्यों ना मैं करूँ और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आधे घंटे होल्ड करो मुझे यू फिनिश योर जॉब एट द टाइम आई बी रेडी So, I, I do that, yeah. Hmm. In of their Blue Valentine, has mm -hmm. one of my favorite scenes where Michelle Williams says, -"There's nothing inside for you." Yeah, nothing, nothing, yeah, nothing. Yeah. Best depiction of falling yeah. out of love. I've got nothing left for you. Nothing. 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 There is nothing here but for don't, you. There is nothing here for you. I don't, don't love say you. I don't say stuff. not i I love Blue Valentine, Revolutionary Road. You know, A Marriage Story. I love this genre. Ye ये रिलेशनशिप ड्रामा का जॉनर है हमारे यहाँ इतना कम एक्सप्लोर हुआ है ना this इतना कम रिलेशनशिप आई लव दैट जॉब सीन्स फ्रॉम अ मैरिज वाला सीन्स फ्रॉम अ मैरिज उफ या या यार ये तो मैं पोल डालता रहता हूँ ना चलचित्र भाई पिक वन रेवोल्यूशनरी मैरिज स्टोरी क्रैमर वर्सेस क्रेमर स्टार्टेड फ्रॉम देयर स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओबीसी में होगी एंड देन दे मेड दिस शो सीन्स फ्रॉम मैरिज अगेन सो गुड सो गुड

Your generosity conceals something dirtier and meaner. So, but you feel so bad now for both of them. Yeah, yeah. Yeah. I think that's the best thing about a relationship drama. I think most of these relationships have a common link. You feel bad for both of them. Yeah. That nobody's at fault. Like in Revolutionary Road, you can't say Leo is at fault or Kate is at fault. Marriage story, yeah. uh, yeah. story, Adam Driver, and uh Simon. Okay, smoke guys go. Marriage story, Adam Driver and Scarlett Johnson.

story about five black uh, uh, kids uh, in the this, central park uh, i know mm, this is this is us not uh, this is us this is us also i love uh, i know and what I, you are, are one talking, one talking about i know ek bar dekho central park mein wo ek ek rape aur murder ho jata hai netflix pe i think ye हाँ five मतलब उनको Central Park फाइव उनका उससे नाम से famous था वो innocent boys young बच्चे उनको पकड़ के डाल देते हैं बहुत साल तक जेल uh. में अभी एकदम जैसे फर्स्ट वर्ड बोलेगा नाम याद आएगा when, when they see us when they see us when they see us क्या ग्रेट शो अगेन आई लव गेम ऑफ थ्रोन्स आल्सो यार या हाउस ऑफ द ड्रैगन देख रहे हो uh, पर वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला मजा नहीं आ रहा देख रहा हूं अच्छा आप नया सीजन देख रहे हो हां uh. कोई बात ही नहीं कर रहा है मेरे को तो टेंशन हो रही आ भी रहा है मतलब मैंने सीजन आ रहा है आ रहा है पर वो बिकॉज़ गेम ऑफ थ्रोन्स का स्टैंडर्ड इतना ऊपर है ना तो आई थिंक वुड यू रिकमेंड सीजन 2 ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन Yeah, मैन तो देखो यार खर्चा किया किसी ने बहुत पैसे प्लीज देखो क्यों नहीं <laughs> 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 I to say कि इसको मत देखो थ्री देख लिया डॉट लाइक हाउ मच आई एंड टू

<laughs> मतलब कोई मेरी फिल्म को देखेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा <laughs> But बहुत बुरा लगेगा से ज्यादा बट आई हेव डन इट मतलब यार कई बार कुछ एक्टर्स और कुछ शोज वो सभी जो है उसमें ऐसे ही बात कर रहे होते हैं फिर सामने वाला भी ऐसे ही जवाब देता है And I'm not kidding. When I've seen that thing in 1.5, it sounds normal. <laughs> वो सभी उसमें ऐसी ही बात कर रहे होते हैं फिर सामने वाले भी ऐसे जवाब देता है अरे ये तो नॉर्मल साउंड कर रहे हैं आई सोन इट वी मोर इन पॉइंट फाइव बिकॉज अगर हर कोई जो है ब्रांडो बन के सिर्फ ऐसे ही बात करेगा और सामने वाले भी बोलेगा कि हाँ तो मैं क्या करूँ फिर कोई और आएगा पर मैंने तो सुना है कि तुमने मना किया था किसने बोला तुझे मैंने बोला लेकिन अरे हाँ समझ आ गया यार तुम्हारे तो अंदर बहुत बेस है और तुम बहुत के साथ बात कर रहे हो पर सब सबकी एनर्जी एक जैसी है मैंने ऐसा नहीं कि मतलब वो एकदम ऐसा श्रीक सी आवाज हो जाती है पर हाँ मैंने किया एक दो शो के साथ की देखना तो है ही अभी तो वन पॉइंट फाइव पे देख लेता हूँ अरे ज्यादा मस्त आ रहा है ना वन एक्स टू एक्स भी है क्या हाँ मुझे ये तो मुझे पता ही नहीं था <laughs> मैं तो 1.5 तो रुका हुआ <laughs> नहीं नहीं बट आई थिंक 2x ज्यादा हो जाएगा 1.5 ठीक है फिर वो शॉर्ट फिल्म हो जाएगी बट जब 2x से 1x पे आते हो 1x 0.25x लगता है कि मैं इतनी स्लो लाइफ देख वो ट्रिप होती है करेक्ट कि ऐसे चल रही थी दुनिया करेक्ट बिकॉज़ एकदम से यू आर अक्चुस्टम्ड टू अ डिफरेंट स्पीड ऑल टुगेदर और आई थिंक ये कहीं ना कहीं यार uh, लाइक like मैंने आई थिंक जिंदगी में एक या दो बार किया हर, हर के साथ नहीं किया है but ऐसा नहीं है मुझे कुछ स्लो व्यूइंग uh, से प्रॉब्लम है because student, मैं, हम ये सब देख देखिए देख yeah, बड़े हुए हैं yeah. मुझे बहुत अच्छी लगती है इन द मूड फॉर लव मतलब इट्स नॉट लाइक भाग रही है लेबर ऑफ लव ये सब अपनी पेस की फिल्म है बट आई लव दम आई कैन वॉच दम अगेन एंड अगेन बट वो कुछ कह रही है ना वो फ्रेम कुछ कह रहा है वो एक्टर्स के अंदर कुछ चल रहा है उस लुक में कोई बात है उसका एक क्लोज कटा है उसमें कुछ है इज अ रीजन ना कि आप मिट जाते हो एक, एक आप एक्स्ट्रा एकदम टाइट क्लोज जाते हो किसी के फेस पे टू तो शो एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है उसके अंदर उसका एक रीजन होता है तो वही होल्ड करता है एज एन ऑडियंस मुझे yeah. तो मैं यहाँ एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कैमरा में देख के मेरे एक मित्र हैं उन्होंने एक फीचर फिल्म बनाई थी तो आई वॉन्ट टू वॉच इट ऑन आई पॉड नानो ऑन टू वेक्स विच इज ओपन हाईमर मैंने वो फिल्म आई मैक्स में देखी है और मैंने वो जैसे उन्होंने बनाई है वैसे ही देखी है और जस्ट एज नोलन इंटेंडेड एग्जैक्टली सी वो फिल्म जो है ना इट्स अफकोर्स पे भी अगेन बहुत पॉपुलराइज uh, व्यूज हैं लोगों के कि यार ये नोलन की बेस्ट फिल्म नहीं है और नोलन की बेस्ट फिल्म है विच इज ग्रेट यार I think यही चाहिए as an actor, आप चाहते हो किस एज अब कुछ कॉन्वर्सेशन mm. और नोलन ने तो कभी नहीं बोला कि यार आइए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड दिखाता हूं <laughs> बोला कि मैंने बनाई है आप आके देखिए न्यूक्लियर टेस्ट होता है और विच इज साइंस यू नो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन देन साउंड बिकॉज आपको हो गया उसका रिएक्शन आ गया एंड देन आफ्टर टू सेकंड्स कम वोम लाइक वो दैट मोमेंट इज इज पैसा वसूल फॉर मी आई लव जब साउंड डिज़ाइन की बात होती है राइट की गुड साउंड डिज़ाइन मैंने पहली बार नोटिस किया था उड़ान में वन फिल्म दैट आई उड़ान अच्छा बट उड़ान का साउंड डिज़ाइन वो जब पहली बार अपना लगेज घसीट के घर yeah. में लेके जाता है मतलब दीज आर द थिंग्स आई वांट टू नर्ड अबाउट बट कोई मिलता नहीं है कि और जब वो रेलवे uh, स्टेशन उतरता है तो हमेशा

ऑल्सो मी बिंग फ्रॉम अ फिल्म स्कूल तो हमने सब पढ़ा है छः महीना कॉमन कोर्स में सब पढ़ाएेक्ट एवरी डिपार्टमेंट इक्वली तो मेरा जो वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ अनिसीश जॉन जो साउंड डिज़ाइनर है जिन्होंने ट्रैप का साउंड हाँ, डिज़ाइन हाँ, किया है फाइनेस्ट आई थिंक वी हैव इन द कंट्री तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, है साउंड की एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई हेट डबिंग मुझे कतई हाँ, मुझे सख्त नफरत है डबिंग से बिकॉज उस मोमेंट पे जो आया हाँ। है वही रियल है वही मेरा मेरा ट्रूथ है हाँ। तो उसी को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा जस्ट हाकू बी हाउ वी वर्क फॉर विजुअल्स वी हैव टू वर्क फॉर साउंड ऑल्सो एंड देर आर डायरेक्टर देर बट दे आर आई वुड से नॉट एवरी वन दट आई वर्क विद बट दे आर मेनी डायरेक्टर्स हु गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू साउंड एंड वन ऑफ दैम इज सर्टनली विक्रमादित्य मोटवानी जिनको पता है इसकी वैल्यू साउंड की वैल्यू और मुझे अनीज बताता था कि विक्रम सर का ऐसा है कि वो जब साउंड सुनते हैं ना तो उनको याद रहता है और एक हफ्ते बाद भी वो कुछ नया सुनेंगे अगर मिक्स पे तो बोलेंगे नहीं यार वो तूने उस दिन जो सुनाया था उसका जो सिक्स ट्रैक था ना उसमें तूने एक वो जो यूज किया था वो वो दिखाना मुझे वापस ही इट वेरी क्लियरली या कुछ लोगों का होता है वो जैसे आई सो आई लिसन टू म्यूजिक मेरे को लिरिक्स याद नहीं रहते पर मेरे को साउंड की एक एक ऐसी हरकत याद रह जाएगी जो मेरे को लगता है yeah, कि yeah, 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 अदरवाइज उस वजह से शायद मैं लिरिक्स पे ध्यान ही नहीं देता पाता साउंड में लाइक कोई पकड़ ही नहीं सकता ऐसी चीजें नोटिस हो जाती साउंड इज वेरी पावरफुल यार बहुत ही पावरफुल मीडियम है साउंड मेरे मेंटर भी हैं देवशीष माखीजा फिल्म में कभी बोलते हैं कि फिल्म में सम टाइम्स 2D और 3D 3D साउंड इज ऑलवेज या 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 सो डू इमेजिन ना मतलब अभी हम यहां बैठे हैं और जुप करके सब म्यूट कर दो हां कुछ पॉइंट ही नहीं है आई डोंट नो व्हिच इज अ पावरफुल टूल लाइक योर विजन और योर हियरिंग व्हिच इज अ मोर पावरफुल सेंसरी ऑर्गन यू हैव

Love Patal Lok. <laughs> Sorry, Kora. Kora. Love Kora. Love Patal Lok. Also, jaydeep is a classmate. So, of course, oh. Mohri, Avinash, Arun is is is, oh. is from institute. Uh, so, a lot of people connected. But love it. But genuinely love it. Love Patal Lok. Uh, Kora again. Was blown away by Kora when I saw it. Panchayat Panchayat, of course. Panchayat, enjoyed. I enjoyed Panchayat. Enjoy yeah. Panchaayat. Panchaayat is yeah good luck. luck. Good luck. Love good luck. Yeah, yeah. Beautiful writing. Beautiful performances.

एंड इट्स अ फ़नी incident वो शाहिद में जब मैं जब शाहिद का किरदार कैंप में जाता है टेरर्स कैंप में तो उसमें वो उसके लीडर बने थे वहाँ पे जो ट्रेनिंग देते हैं आ, तो हमारे साउंड सेंसर उनको माइक वाइक लगाया था तो हम शूट रहे थे और कट बहुत छोटा बजट था बहुत कम लोग थे तो साउंड रोल हुआ एक्शन हुआ एंड आर साउंड मंदार वॉज लाइक कट 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 क्या हुआ कुछ सर आवाज़ आ रही है सर टिक 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 कहाँ से रही कहाँ से रही है अरे पता नहीं उससे दोबारा करते हैं कट कट आ रही है सर अभी भी आ रही है तो तीन चार बार हुआ देन सुरेंद्र विक्की वंश के पाजी आवाज़ आ रही है उन्होंने बोला हाँ जी पाजी वो मेरा वो लगा हुआ है हार्ट पेसर उसकी आ रही होगी <laughs> <laughs> तो उन्होंने माइक पेस मेकर हाँ तो वो यहाँ पे लगाया हुआ था माइक तो पेस मेकर की टिक 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 आवाज आ रही थी <laughs> बड़ बड़ा गायन यार या। लव डेम इन कोहरा लव डेम इन मील पतर. या मैंने वो कल मिला था मैं सुदीप सर से ही आड ऑल्सो कम फर्दर ऐप एंड

मेरे को वो बहुत सही लगता है कुछ चीज़ों में स्पिरिचुअल ट्रथ होता है Have you lived it? तो पकड़ में आ जाता है उनके काम में मेरे को वो दिखता है कि करा है इन्होंने, feel करा इन्होंने तो इसमें अब आगे मूव करना चाहता हूँ एंड अब हम हमारे अगले सेगमेंट में मूव करेंगे और मैं अब आपसे किताबों की बात करना चाहता हूँ so, सबसे पहले आप मुझे बताइए आपका रिलेशनशिप क्या है विद बुक्स यार ऑनेस्टली मैं बहुत पढ़ता था आ, पहले अभी भी पढ़ता हूँ पर जितना पहले पढ़ पाता था उतना नहीं पढ़ पाता हूँ बिकॉज अभी आ, मैं देखने बहुत लग गया हूँ मैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में एक फिल्म तो जरूर देखू या किसी एक शो के दो एपिसोड देख लू मुझे बहुत अच्छा लगता है यार अच्छा कॉन्टेंट देखना कई बार खराब कॉन्टेंट देखना भी बहुत अच्छा लगता है बहुत कि कोई गंदी फिल्म आई है यारे मज़ा आ जाएगा इतनी गंदी है बहुत मज़ा आएगा देखने में तो वो भी देखता हूँ मैं तो माई सो माई फ्रेंड्स गेट शॉक के तूने ये भी देख ली लीक हाँ यार मुझे देखनी थी कुछ के कुछ इतनी घटिया है कि मज़ा आएगा यू इट्स इट्स सो बैड पानी तो मैं कॉन्टेंट ज़्यादा देखने लग गया हूँ पर अभी भी मैं किताबें कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ूँ जितना हो सकता है पढ़ता हूँ yeah. yeah. so, uh, आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है लाइक like, फिक्शन फिक्शन आप पसंद करते हैं नॉन दोनों ही टू बी ऑनेस्ट डिपेंड्स किस तरह की राइटिंग है so, मुझे फिक्शन भी पसंद है जैसे फाउंटेन हैड इज़ माई मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम वो बुक है जो आपको आई थिंक हर तीन साल में एक बार पढ़ लेनी चाहिए वो आपको सही रखती है

Uh, उससे पहले चेतन भगत की फर्स्ट बुक पे फिल्म बन चुकी थी वन नाइट एट द कॉल सेंटर वन नाइट एट द कॉल सेंटर और मुझे पता था कि ये राइटर वो हैं जिनके बुक्स पे फिल्म्स बन रही हैं तो मुझे आज भी याद है मैं नया नया बॉम्बे आया था और मैं फोर बंगलोर में रहता था मनीष नगर में और मैंने वो बुक पढ़ी थ्री मिस्टिक्स ऑफ माई लाइफ एंड आई एक्चुअली मैनिफेस्टेड इट टू द यूनिवर्स कि यार ये तीन कैरेक्टर हैं इसमें इस, इस पर कभी फिल्म बनेगी तो आई होप यार मुझे मुझे मिल जाए ये कैरेक्टर आई डेंट से विच वन यार मुझे कैरेक्टर मिल जाए इसमें से यार

अब पढ़ रहे हो आराम से आपने एक गो में पढ़ दी पूरी बुक हाँ एंड थ्री मिस्टेक्स तो एक्चुअली बहुत ही प्यारी किताब है yeah, know, का जो स्क्रीन प्ले मिस्टेक्सोड yeah, 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 yeah. uh, इसके अलावा uh, आप नॉन फिक्शन में क्या प्रेफर करते हैं पढ़ना uh, बहुत सारी मैंने बायोग्राफीज पढ़ी हैं जैसे बायोग्राफीजिन का बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं उनको पढ़ के Even Steve Jobs, I think uh, is is again one of my favorite biographies. Uh, Isaacson जो hmm. uh, writer है Walter Isaacson उनकी अभी उनकी Elon Musk पे भी Elon Musk पे भी आ रही है correct उसके अलावा uh, Green of course Matthew I think Matthew में I love listening to him I think कुछ तो सही मिल गया उनको life सही में बिल्कुल true तो Green Light I love Green Light I, the the उनकी जो uh, autobiography है

आई थिंक इट्स फनियर्स अटैस आईव रेड इज रामधरी सिंहकर मन टू आई थिंक इज ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स दैट वी हैड प्रेम चंद गोदान पढ़ के तो हम बड़े हुए हैं बड़े भाई साहब हमने बहुत पसंद किया है परफॉर्म किया है देखा है लोग को परफॉर्म करते हुए आई एम आई एम आई आई सेट टू मच टाइम टू इट बट या आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू वाइल्ड डूइंग सम थिंग और योर इफ़ योइंग वॉक और ऑन योर कार्डियो मशीन आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू लिसन टू अर बुक कोई आपने ऑडियो बुक सुनी होट like yeah, मुझे अभी ऑनेस्टली याद नहीं रहेगा नाम तो पर हाँ मैंने पॉडकास्ट ऑफकोर्स डेफिनेटली पॉडकास्ट एक ऐसी जो मैं सुनता हूँ तो आई थिंक इट्स ईजी एंड टूडेज डे एन ए जहाँ पे सब भाग रहे हैं yeah. uh, yeah. किसी के पास वक्त नहीं है तो आई थिंक

आप हर चीज को मतलब हर डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा दो कि यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग यू आर हाइपर फोकसिंग बिकॉज ए डी एच डी की एक वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स जो होते हैं जो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है वो है हाइपर फोकस okay. कि जब आप किसी चीज में अटक गए ना आप पूरा घुस जाओगे सो दिस बुक टेल्स यू अबाउट लाइक हाउ टू लाइक एक्सेस दैट हाउ टू एक्सेस दी हाइपर फोकस कि अब मैं पूरा घुस जाऊँगा इसके अंदर एंड वेरी सॉलिड ऑडियो बुक तो मतलब क्योंकि वो मेरे को लगता है जब मैं सुनता हूँ ना तो उससे भी मेरा फोकस ऐसा हो सकता है प्लस ही वो बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा फोकस बेटर हो रहा है बिकॉज एम ऑन वॉक्स एंड बार बार वो बताया जा रहा है कि लाइक like, कुछ लोगों को जैसे बताया जाता है आर्ली टाइम्स होनी चाहिए आपके फ़ोन में जिससे कि नहीं तो टाइम ब्लाइंडनेस हो जाती है कहीं कहीं फोको पता ही नहीं चला चार घंटे में सो आर्ली टाइम्स सो ऐसे बहुत सारी

बहुत है रणवीर को काफी सुनता हूँ मैं रणवीर इस तरह के बिकॉज़ आई एम आल्सो लाइक लॉर्ड इन टू स्पिरिचुअलिटी तो मुझे कुछ-कुछ चीजें उसकी बहुत अच्छी लगती हैं जो uh, कुछ लोग आते हैं जो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं uh, as i said i am also fascinated with you know spirituality gods yeah uh, yeah, yeah and uh, कोई ऐसी मूवीज जिनकी कोई ऐसी शामी मु... आपको शामी को सुनता हूँ मैं राजम राजम

A, 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 song of a, song of a Song of Fire and Ice. A Song of Fire correct. A Song of Fire and Ice. Again, very well adapted into a book. Uh, and I think this, I just saw American fiction. I totally loved it. Uh, I don't know if it's based on a book. Okay. I think so. I'm not sure. It is, right? It is mm. based on a book. So I think, again, great screenplay. Love that film. Uh, yeah, so so that one. Uh, so many are. It's the Lot of the Rings, I think, is, yeah. is the finest. Peter Jackson. Uh, is, is the 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 finest finest book I think and, and the finest adaptation yeah uh, since you mentioned Oprah so who are some of your favorite interviewers in the world? in world world oh मुझे फारूख साहब बहुत ज्यादा पसंद थे क्योंकि तो हम बड़े हुए हैं जीनासी का नाम है देखते देखते मुझे फारूक साहब का जो एक तरीका था ऑफकोर्स उनकी जो लैंग्वेज पे कमांड थी क्योंकि बचपन में दोस्त भी बोलते थे ना जब सोचा कि एक्टर बनना है नाइन्थेंथ में तू जिना इसी के नाम पे जाएगा ना तो हमें भी बुलाना <laughs> <laughs> तो वो एक वो कल्ट आ, हो गया था कि इस पे जाना एक दिन या yeah, तो मुझे फारूक साहब हिंदुस्तान में बेहद बेहद पसंद है जिस तरीके से वो, वो बात करते थे या uh, yeah, तो फारूक साहब फॉर श्योर एंड ऑपरा कोर्स अगेन या दिस टू फॉर नाउ आई वुड से

यार मजा आया था यहाँ मज़ा आया <laughs> <laughs> यहाँ बहुत मज़ा आया आ, नहीं आ, सब अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट मैंने आपके साथ किया बहुत मज़ा आया रणबीर के साथ किया था आ, बहुत मज़ा आया था और मुझे लगता है ये बहुत एक एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एक एक मीडियम है और एक फास्ट ग्रोइंग आई वुड से जो छोटी सी अपने आप एक इंडस्ट्री है जो बढ़ रही है बहुत yes, तेज़ी से बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड नॉट ओनली इन इंडिया

Then I would say Daniel Day Lewis. Yeah. Oh. Yeah. Because now he's retired, so I think hopefully he'll have. Yeah, sachi wali retirement hai ya jhooti wali retirement? I think is baar sachi wali hai. Acha. Ah, uh, pehle bhi hua tha, but is baar sachi wali hai. But never say never. I don't want it to be the sachi wali. I I hope he comes back. Was Phantom Red the last? Phantoms Red. Ha, and it's been a few yeah. years, yeah. No, after there will be blood. Also, he said, "Okay, I'm done. I'm retiring." But then he came back. वो वॉट डू यू थिंक ऑफ रिटायरमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री इज द टेरेंटीनो इज ऑल्सो से लास्ट फिल्म वॉट डू यू थिंक ऑफ दिस नोशन की क्रिएटिव इंडस्ट्री में रिटायरमेंट आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय इट डू यू थिंक दैट यू विल रिटायर फ्रॉम एक्टिंग समटेन राइट नाउ तो ऑफकोर्स आई वुड सी नो बट यू नो नो यंस आई थिंक मे बी आफ्टर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इयर समथिंगस इन लाइक

Now, now! To give a year just to find the right voice, it's not an easy process. So I'm sure it's uh, it was very, very tough for him. Yeah. But that's why he would be known, I think, for centuries as a great actor. Which is your favorite Daniel Day Lewis film? Many, man. Uh, my like Left Foot. Uh, I haven't seen this. Which one? Are you cannot, cannot, not see. Please, My Left Foot. Okay, I yeah. haven't seen this. So, My Left Foot of course, Gangs of New York. There um, Will Be Blood, I think, is, is phenomenal. He's phenomenal in that. Uh, Lincoln, the whole physicality and, and and voice modulation. And the Phantom Opera also. Yeah. This, this obsessed guy. Uh, he's, he's great in most of his films. Yeah. Even Boxer, if you see, the first beginning shot of Boxer where he's just, you know, shadow boxing. It's. यू सी दैट वन फ्रेंड लाइक प्ले बहुत पसंद है मुझे क्रिस मार्टिन बहुत अच्छे लगते हैं uh, उनके ज़्यादातर गाने में मैं बहुत सुनता हूँ लाइफ में बट uh, फेज होते हैं आई वॉन्ट से कि मैं एक इस तरह का गाना सुनता हूँ जैसे मुझे आज कल uh, एक हफ़्ते दस दिन के लिए आप, आप ट्रिप करते हो एक गाने पे फिर कुछ नया आता है उस पर ट्रिप करते हो जैसे अभी सुनिया सुनिया मुझे बहुत आ, अच्छा लग रहा है आजकल सुनिया सुनिया दैट सॉन्ग <laughs> तो अलग अलग है पंजाबी म्यूजिक को भी मैं ट्रिप करता हूँ कभी कभी ऐसा लाइक मज़ा आता है कि एक महीना सिर्फ पंजाबी म्यूजिक सुन रहे हैं रहमान ऑफ कोर्स द ओल्ड नाइन्टीज़ जिस पर हम बड़े हुए हैं वो गले रहमान जो है रंगीला दिल से दैट रहमान आई टोटली लव बट यू नो कमाल की बात एक ऑब्जर्वेशन जो है मेरी अभी क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग बाहर थे और अंताक्षरी खेल रहे थे देखा उन्होंने अंताक्षरी वी सिल्स दो सॉन्ग्स यार सॉन्गर oh, yes. हम लोग अभी भी सिर्फ वही नाइन्टीज़ के गाने जो तब के अंताक्षरी में गाते yeah. थे वही आज भी गा रहे हैं तो विच आई थॉट वॉज माई ऑब्जर्वेशन वॉज कि क्या आजकल के, के गाने रजिस्टर नहीं, नहीं हो रहे हैं क्या कि हमारे दिमाग में बैठ क्यों नहीं रहे हैं आजकल के गाने बिकॉज अंताक्षरी जब हम खेल रहे थे तो हार्डली आई थिंक कुछ साठ गाने गाए होंगे

कि फ़ोन में बैटरी तो नहीं चाहिए यू कैन नीड इट एनी टाइम दिस टू आई थिंक आई

Uh, <laughs> Have you played, like, uh, शासन, बहुत इम्पोर्टेंट टीचर yeah. yeah, yeah, yeah. uh, like, us... yeah, है आपकी लाइफ में बहुत सिखाता है ट्रैवल सिखा आपको तो मैं तो कहूँगा जब भी आपको मौका मिले प्लीज और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यूरोप ही जाना है और अमेरिका जाना है जहाँ भी आप जा सकते हैं आसपास यू नो हैव सम फ्रेंड जो जिनको ट्रैवलिंग पसंद है एंड गो आउट गो आउट एक्सप्लोर मीट न्यू पीपल ट्राई न्यू क्विजीन ट्राई न्यू सी न्यू कल्चर बहुत सिखाता है आपको ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है यू नो एक जिंदगी है जिस घूमो यार देखो दुनिया बहुत जरूरी है सो फ्राम डेड आई टिल डेट आई से लद्दाख इज आई लव लद्दाख देन आई वुड से आई आई बिकॉज सॉ नॉर्दर्न लाइट्स लास्ट ईयर Ooh. So we were in Lapland uh, in Norway and Finland. Is it yeah. as good as? It's beautiful. Oh, it, it's amazing. Oh. That, that phenomenon is something else. Uh, so if you can, please go watch Northern Ka Lights. Which country were you in? We were in uh, uh, Finland first in uh, Lapland area. Then we went to Norway because you have to chase Northern Lights. It's not like a paanch ghar aapko

वैसे वाले। ah, yeah. बोल में अगर सुन सुर्ण रहे हैं <laughs> टाइगर को इतना प्रेशर yeah. होता है लोगों में आज तो दिखाएंगे आपको सो एंड लद्दाख हो हो गया हैव यू बीन आइसलैंड बट स्विटरलैंड आई लव आई लव इटली लव बींग बर्लिन

कोई भी यार मैं बहुत ही बिकॉज आई एम नॉट अ फूडी आई ईट जस्ट टू सर्वाइव सो आई एम द वर्स्ट गाय टू आस फूड रिकमेंडेशन माई फूड रिकमेंडेशन वुड बी कि जो आपको पसंद है वो खा लो यार <laughs> uh, मतलब बस देख के खाओ डोंट 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 गो इन लाटनी मोड बट वॉट यू लाइक इज वट यू मस्ट ईट बट कीप अ वॉच This was amazing. Thank you so much. I hope आपको मजा आया. Of course, and, thank you. Thank you for having and, me. And uh, we are very, very excited for Street Two. Like कुछ बताइए हमें उसके बारे में. बहुत मजा आने वाला है यार. Same दुनिया है, same लोग हैं. Bikki uh, भी वही है, Rakshak भी वही है. But uh, it's bigger, definitely bigger. Uh, Thread भी बड़ी है इस hmm. बार पहले वाली से. लेकिन मजा आएगा. I think जिस तरह से trailer का response आया है. we all are very, very. Uh, we all are actually overwhelmed. Uh, we are really real looking forward to what people feel about it now we just want to give you a few gifts some coffee with karannia but we have a coffee hamper uh, so this is just a coffee hamper that we want to give thank you, you so much dutukai <laughs> yeah thank and you and the merch hamari ek chalchitra ki merch hai ek t-shirt hai jispe likha hai recommend me a film oh nice <laughs> so but kai baar aisa hota hai yaar i need recommendation because aap itna jaise main kaam mein dekhta hu daily then that days you get stuck ki aaj kya dekhunga like

हैश टैग वन पॉइंट फाइव एक्स और हैश टैग वन पॉइंट सेवन फाइव एक्स एंड गाइज विद आई एम हैप्पी टू सेट वी आर रैपिंग दीजन टू ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरव्यू ये हमारा फिनाले एपिसोड था एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइज फॉर मेकिंग दिस हैपन मैं कुछ पर्टिकुलर शाउट शाउटआउट्स देना चाहता हूँ इस मोमेंट में सबसे पहले आई वॉन्ट टू थैंक अर टाइटल स्पॉन्सर्स ऑडिबल फॉर ट्रस्टिंग इन आस विद दिस शो हमने अभी एक छोटी सी सीजन रैप पार्टी करी थी where audible sent us these beautiful flowers i'm so happy like they sent us the flowers it was such a serotonin release moment and i want to thank blue tokai for being our brewing partners i want to thank all my teammates who were involved in the making of this season एंड uh, अब मैं आपको कुछ और जल्दी से अपडेट्स दे देता हूँ द नेक्स्ट सीजन ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरव्यू विल कम आउट इन अ फ्यू मंथ बट आप याद करते रहिए स्पैम करते रहिएगा कि नया सीजन लिखे और इट विल हेल्प अस टू ब्रिंग इट सूना एंड दो अभी बहुत नए इंटरेस्टिंग शोज आने वाले चलचित्रॉक्स पे वन ऑफ द शोज विल बी लेड बाय हिंड ऑन एंड वन ऑफ द शो विल बी लेड बाय दशा सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो सो कीप वॉचिंग चलचित्र टॉक्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी बहुत इंस्पायर To make new content, and we'll be back with so many new things.